एक विलन रिटर्न। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म का 5 डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन निकल के आ चुका है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ इस फिल्म ने 5वें दिन क्या कमाल मचाया है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और हाँ चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना यार। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में बताना आपको क्या लगता है कि यह फिल्म कितने तक की कमाई कर पाएगी, या फिर ये बहुत जल्दी निपटने वाली है, बस बंद होने वाली है फिल्म। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने वीडियो में। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये फिल्म बड़े बजट की है, लगभग 130-140 करोड़ के आसपास के बजट की फिल्म है। और इस फिल्म का अगर मैं बताऊँ, फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन शायद 7.5 करोड़ के आसपास था, सेकेंड डे का भी 7.5 करोड़ के आसपास का, थर्ड डे 9 करोड़ हो गई, चौथे दिन भी इसके फिल्म ने काफी अच्छे कलेक्शन करते हुए हमें दिखी, लगभग 3 करोड़ के आसपास फिल्म ने कमाई की। और अब जो 5वें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन निकल के आ रहा है वह लगभग 2.5 करोड़ से 3 करोड़ के बीच का है। अगर मैं आपको बताऊं, देखो अब इस फिल्म ने लगभग कर ली है 26 से 28 करोड़ के बीच की कमाई, जो कि इस फिल्म के लिए बहुत ज्यादा ठीक ठीक है। बट अगर मैं बात करूं, एक चीज और न्यूज निकल के सामने आ रही है कि OTT प्लेटफॉर्म के लिए इस फिल्म को मतलब बेच दिया गया, और वह लगभग इसके बजट के ना आधी आधी में बिक गई है फिल्म। अब देखने लायक होगा इसका टोटल कलेक्शन। वैसे अगर करें तो मेकर्स ने लगभग, मेरे को लगता है 100 करोड़ के आसपास निकाल लिया है, कुछ कलेक्शन और बच रहे हैं। बाकी कल की मैं वीडियो में आपको बताऊंगा किस OTT प्लेटफॉर्म ने इसको खरीदा है। बाकी अगर हम देखें इस फिल्म का कलेक्शन के बारे में, तो निकल के आ रहा है वही, अभी तो आज 28 करोड़ के आसपास निकल के आ रहा है। अब अगला दिन जैसे स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद देखने के लिए मिलेगा इसका और कम आएगा, फिर और कम आएगा। फ्राइडे सैटरडे संडे हमें थोड़ा बच इसका जो है कलेक्शन बढ़ता नजर आएगा, और उस टाइम पे मेन डिसाइड हो जाएगा इसी वीक कि ये फिल्म क्या कमाल मचाने वाली है। क्योंकि इसके बाद फिर करना बहुत दिक्कत होने वाली, क्योंकि उसके बाद लाल सिंह चड्ढा आ जाएगी, रक्षाबंधन आ जाएगी, विक्रांत अरोड़ा साथ साथ चल ही रही है, तो फिर उसके बाद कोई कलेक्शन का मतलब नहीं है। अभी जो है इसी वीकेंड के फ्राइडे सैटरडे संडे हमें समझ में आ जाएगा ये फिल्म कितने तक की कमाई कर पाएगी। और इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कमेंट में जरूर बता दो यार कि ये फिल्म आपको क्या लगता है 100 करोड़ पार कर पाएगी। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करो, कमेंट में जरूर बताना। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले।